एवरीवन, आज इस वीडियो में हम प्रमुख पुरस्कार तथा सम्मानों से रिलेटेड पांच महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, तो ये है इसका पार्ट 4। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी सहित कितने भारतीय भाषाओं में गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं को प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 22। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 22। अब आते हैं सवाल नंबर 2 पर। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए पत्रकारिता, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी खेल, ऑप्शन डी उद्योग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पत्रकारिता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए कलिंग पुरस्कार विज्ञान की लोकप्रियता के लिए, ऑप्शन बी डेविड कोहेन पुरस्कार साहित्य के लिए, ऑप्शन सी बोरलॉग पुरस्कार कृषि के लिए, ऑप्शन डी पुलित्जर पुरस्कार धर्म में प्रगति के लिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पुलित्जर पुरस्कार धर्म में प्रगति के लिए। अब आते हैं सवाल नंबर 4 पर। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? ऑप्शन ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ऑप्शन बी साहित्य और पत्रकारिता, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय समझबूझ, ऑप्शन डी पर्यावरण अध्ययन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी साहित्य और पत्रकारिता। अब आते हैं सवाल नंबर 5 पर। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए फिल्म, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी नृत्य, ऑप्शन डी संगीत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी साहित्य। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक व शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।